जैसे कि आप लोग दोस्तों में देख रहे होंगे स्क्रीन पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2017 को एक ऐप ला जारी किया गया, जिसका नाम है किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। मैं अपने में लिंक में भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इस ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या है इस ऐप में और कैसे क्या यह ऐप कैसे काम करता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों कि हम इस ऐप को चलाना है, इस ऐप में क्या जानकारियां होती हैं, कैसे क्या क्या इसके सुझाव हैं, मैं सबको आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें करना क्या दोस्तों है, कुछ करना नहीं है आपको। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, क्या कुछ करना है, कैसे लॉगिन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें क्या आपको सुविधा है, किस चीज़ के लिए बनाएंगे, मैं सारे कुछ आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस हो जाएगा। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यह ऐप जारी किया गया है, जो कि योगी आदित्यनाथ द्वारा एक पहल की जा रही है किसानों के समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए। तो ये देख लेते हैं। जैसे इसमें आगे जाते हैं, इसमें दो चार ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है कृषि विभाग द्वारा किसानों को देय सुविधाएं। इसके बाद होता है ऑनलाइन पंजीकरण, क्या चाहिए चयन करें, आधार जोड़ें, अन्य सुविधाएं। इसके अंतर्गत हम अनेक सुविधाएं देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या है। जैसे इसके आगे जाते हैं तो हमें उस कृषक का विवरण भरना होता है। कृषक का नाम भरना होता है, मध्य नाम भरना होता है, अंतिम नाम होता है, पिता का नाम भरना होता है, उनकी जाति भरनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे पिता का नाम है, जाति है, लिंग है, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिला है, समुदाय है, आप सब समुदाय हैं या नहीं है, मोबाइल नंबर है, बीपीएल परिवार से है या नहीं है, आपका आधार नंबर। तो ये सब दोस्तों करने के बाद हमें फिर अगले प्रोसेस पे चलते हैं। फिर यहाँ पे है बीज का विवरण, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अगला है अपेक्षित लाभ वस्तु का विवरण, देख सकते हैं क्या चीज़ इसमें है किसान। उसके बाद इसमें हम चयन कर लेते हैं क्या कुछ कैसे, आइए देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए किसान का विवरण है, सामान्य बीज, क्या क्या बीज है उसका, या संकर बीज, सामान्य बीज का विवरण चाहिए या संकर बीज का, इसके लिए किस फसल के लिए चाहिए, कितना बोना है, हेक्टेयर यहाँ पे बता दीजिए, या फिर जो भी मतलब करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा एक ऐप जारी किया गया है किसानों के, जिसके तहत किसान बहुत से अपने सब्सिडी को ले सकते हैं। इसके अंतर्गत अपने जो भी परेशानियां हैं उनको एक नंबर दिया जा रहा है, ये नंबर है 1800180151। इस नंबर से आप किसान हेल्प सेवा में बात कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आपको बता दिया जाता है। आइए और भी कुछ पहल है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यह मोबाइल ऐप दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया है, अभी जल्द ही लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो आप इसे हमारे अपने किसान भाइयों को इसके बारे में बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं, और जो भी इससे जुड़े हुए योजनाएं हैं उससे उनका उनको डायरेक्ट लाभ मिल जाता है। बहुत से हमारे किसान भाई अभी भी सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस मोबाइल ऐप के जरिए भी सरकार के विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं। और भी इसमें कुछ है, जैसे सरकार ये आग्रह करती है कि आप भाई अपने किसान भाई अपने फसल अवशेष को ना जलाएं। किसान भाई किसी भी शंका के समाधान के लिए अथवा किसी संबंधी किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यही नंबर है, इसी नंबर पे आप फिर से कर करके आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कत के बारे में समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए और कुछ देख लेते हैं क्या है। इसके बाद है पानी, किसानों को जो पंप दिया जा रहा है 3 हार्स या 5 हार्स या 2 हार्स पावर का सोलर पंप, विशेष अनुदान पे छूट के तहत तो आप किसानों को प्रदान किया जा रहा है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो सके, उनको लाभ मिल सके, जो लागत कम करना पड़े, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो पाए, चूंकि आज का किसान बहुत ही परेशान है। तो आइए और देखते हैं क्या क्या इसमें सुविधाएं दिया जा रहा है। किसानों की सरकार तत्पर है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक सरकार आती है किसानों के लिए कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन उतना कर नहीं पाती है। लेकिन एक छोटा सा ही सही सरकार आगे बढ़ रही है, तो उस चीज का लाभ लेने का जरूरत है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है। किसानों का विकास प्रदेश विकास के
किसानों का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। या किसान का अधिकार के द्वार है, पारदर्शी किसान सेवा एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराकर किसान भाई सभी प्रकार के बीज, कृषि यंत्र तथा कृषि रसायन आदि से संबंधित अनुदान अपने बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कृषि के क्षेत्र में देश की एक अनूठी पहल के रूप में उभर कर आई है। आगे देखते हैं फिर वही चीजें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो हो सके तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मैं अगली बार कोई भी वीडियो इस प्रकार से या किसी भी डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।